हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आरआरबी ग्रुप डी की सेकेंड शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है, 3 अक्टूबर का। तो फ्रेंड्स, इसके जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले उतने क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है, और देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चन आए थे। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में से देखा आपने उसमें से, और फर्स्ट शिफ्ट में देखिए क्या होता है, कोर रिलेट होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर आपका पहला शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था या सेकंड शिफ्ट का पेपर था, तो आपको पहली शिफ्ट के एनालिसिस देखना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको उसमें सीखने के लिए ही मिलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा देखिएगा अगर आपका आने वाले एग्जाम से, और आपके अगर एग्जाम हो चुके हैं तो उसके लिए भी आपको आंसर कीज मिल जाएंगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले बता दूं मैं आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, वहां पर इस वीडियो की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और बाकी पीडीएफ होती है वो भी आपको मिलती रहती है टाइम टाइम, ठीक है, ओके। और यहाँ पर देखिए, करंट अफेयर की वीडियोस भी डालते रहता हूँ मैं, और करंट अफेयर की जो वीडियो नहीं बन पाती उनकी बाकी पे क्वेश्चंस डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से, ठीक है। देखिए, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, दिशा वाला, क्या वाला, दिशा वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए, बोला था राम 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, राम 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, ठीक है, बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चल गया, बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर चल गया, ठीक है, फिर बाएं मुड़ा, फिर 3 किलोमीटर चला। तो पूछा है ये अपनी दिशा किस दिशा में है और कितने दूर है अपने अपने प्रारंभिक स्थान से। तो ये 4 किलोमीटर दूर है, कितने हैं, 4 किलोमीटर दूर है, और किस दिशा में है। तो ये दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा हो गई, कौन सी हो गई, पश्चिम दिशा में है, किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में, पूरब की ओर चला था और पहुंच गया किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। और देखिए, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, देखिए जो कैलेंडर का है वो यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए कैलेंडर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, और लिखा हुआ है 19 अप्रैल 2017 को सोमवार था, तो 20 अप्रैल 2018 कौन सा दिन। सिंपल सी बात है, पहली बात तो आप 19 अप्रैल 2018 तक पहुंच जाइए, तो एक दिन पड़ेगा, सोमवार का क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है, सोमवार क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा। अब हमारा मंगलवार हो गया है और एक 20 तक आना है, तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, एक दिन और बढ़ा देंगे, बुधवार हो गया, ठीक है। अब देखिए, एक सीरीज आई थी हमसे 8 14 23, 23 के बाद यहाँ पर 9 6 9 12, और यहाँ पर 12 करना था, तो ये तीन तीन प्लस हो रहे थे, ठीक है, तीन दिन प्लस हो रहे थे, तो आप कुछ नहीं करना था, यहाँ पर प्लस करना था, यहाँ पर आपका आंसर आता 35, क्या आता 35, ठीक है। अब आपसे एक वेन डायग्राम पूछा था, बस इंजन और पिस्टन, तो बस ये रही, इंजन ये रहा, और इंजन के अंदर क्या है, पिस्टन रहा, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए, एफ ए सी टी, क्या एफ ए सी टी का एक मिरर इमेज बनानी थी, तो इस प्रकार बनेगी, ठीक है, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमसे पूछा था इसमें कितने स्क्वायर होंगे, कितने स्क्वायर होंगे इसमें, हमें बताना था कितने स्क्वायर होंगे। तो देखिए, एक, ठीक है, 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, फिर 1 2 3 4, फिर बड़ा वाला 1 और 5, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10 होंगे, 10 स्क्वायर इसमें होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कुछ रीजनिंग, कुछ देखिए जीके और जीएस का करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा था हमसे 2 8 और 6 वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला कौन सा एलिमेंट होता है। तो देखिए, टोटल मिला के होते हैं 16 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें होते हैं, ये होते हैं सल्फर में, किसमें होते हैं, सल्फर में, ठीक है। सल्फर से क्वेश्चन आए, दो से तीन क्वेश्चन आए सल्फर से, ठीक है। सल्फर किस पीरियड में होता है, तो आवर सारणी में किस पीरियड में होता है, थर्ड पीरियड में होता है, ठीक है। आरबीसी से पूछ लिया था, रेड ब्लड सेल्स का जीवन पूछ लिया है तो 120 दिन का होगा, व्हाइट ब्लड सेल का अगर पूछ ले तो 3 से 5 दिन का उसका रहता है, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। रेड ब्लड सेल पूछ लिया आपसे, अब व्हाइट ब्लड सेल भी पूछ सकते हैं। स्मॉल जी का मान पूछा था हमसे, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। अब नोबेल प्राइज 2017 का पीस प्राइज किसने जीता, एक संस्था है, इसका नाम है आई कैन, क्या नाम है, आई कैन, ठीक है, आई कैन करके एक संस्था है, ओके। हाईएस्ट फॉलोवर ऑन ट्विटर, तो हाईएस्ट फॉलोवर ऑन ट्विटर पर कौन है, अभी पीएम मोदी जी, ठीक है, ठीक है। साबरमती के तट पर कौन सा शहर है, तो साबरमती के तट पर है अहमदाबाद, क्या है, अहमदाबाद, ठीक है। आईफा अवार्ड मूवी जो 2017 आईफा अवार्ड बेस्ट मूवी थी वो कौन सी थी, नीरजा, चौथी या पांचवी बार क्वेश्चन आया है,
तो याद ही कर लीजिएगा इसे। ठीक है, न्यूटन मूवी का बेस्ट एक्ट, न्यूटन मूवी का अगर एक्टर पूछा गया है तो राजकुमार राव हैं, और ये किसके लिए, ऑस्कर के लिए हमारे तरफ से नॉमिनेट हुए थे। ठीक है, ऑफिशियल था, ऑफिशियल नॉमिनेट हुआ था हमारे यहाँ से, इंडिया से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, गुरमीत सिंह किस खेल से संबंधित है, तो एथलीट्स हैं, ये एथलीट्स हैं, और किस क्या खेलती हैं, भाला फेंक हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिएगा, वन प्लस क्या होता है, देखिए वन प्लस आपने मोबाइल सुना होगा ऐसे, वन प्लस, ठीक है, अभी वन प्लस 60 करके एक मोबाइल आ रहा है, उसका प्रमोशन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी कर रहे हैं, इसका ब्रांड एम्बेसडर पूछा था आपसे, सिंपल सा था, कुछ भी दिक्कत नहीं थी इसमें। अब देखिए क्वेश्चन मैथ के देखते हैं, वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 63 और 105 से डिवाइड करने पर 4 शेष बच जाए, तो कुछ भी नहीं करना, हमें 63 और 105 का एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद उसमें 4 जोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए बता दूं, देखिए 63 और इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 315, कितना आएगा 315, और प्लस करेंगे 4 को तो 319 हमारी वह संख्या होगी जिसमें 63 और 105 से भाग देने पर 4 शेषफल बचेगा। अब क्वेश्चन पूछे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर साइन के ऊपर पावर है, ठीक है, क्या है, साइन के ऊपर पावर है और कॉस के ऊपर भी पावर है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, इसका इसमें इंटू करना है 3 का, ठीक है, डिवाइड 1 कर लीजिए, 1 का इसमें डिवाइड करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइन और साइन, यहाँ पर 2 साइन हो गया, यहाँ पर जाएगा साइन माइनस, यहाँ पर आएगा तो 3 को, ये कितना है, ये हो जाएगा 4 कॉस। ठीक है, 4 कॉस हो जाएगा, डिवाइड करेंगे दोनों एक नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 2 2 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, 10 2 आ जाएगा तो 2, मैंने नीचे अपॉन में लगा दिया। ठीक है, तो देखिए 10 क्या होता है, 10 होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, 10 होता है लंब बटे आधार, और हमने कर्ण निकाल लिया, कर्ण कैसे निकालें, कर्ण तो आपको आता होगा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं, कर्ण हमारे हमने निकाल लिया 5√5। ठीक है, तो देखिए साइन आ जाएगा 2√5, कॉस आ जाएगा 1√5, लाल बटे कक्का से निकाल लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसे करके निकाल लीजिए, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन कॉस और टेन, ठीक है, ऐसे करके निकाल लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखिए अब इसको साइन 4, साइन की पावर 4 थीटा को हम ऐसे लिखते हैं कि साइन की पावर साइन, साइन स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर फिर स्क्वायर उस थीटा, फिर ऐसे कर दिया हमने, फिर हमारा ये बन गया साइन माइनस, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम खोलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी का हमारे पास ऑप्शन, हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। तो ये तो बन जाएगा 1, और यहाँ से हम फॉर्मूला रख देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, या फॉर्मूला रखेंगे इसको खोलेंगे तो कोई, इनको खोलेंगे तो ये आपका आंसर आएगा, और 3/5 आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3/5 आंसर आ जाएगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, एक बार करके देखिए घर पर, ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो ये जो मान है वो आप, ये जो मान है वो आप रखिएगा। ठीक है, जो साइन और कॉस के मान है वो यहाँ पर रख दीजिएगा, यहाँ पर मत रखिए, यहाँ पर के रखेंगे तो आपका आंसर वैसे भी इसके बन ही आता है। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन होता है। ठीक है, अब हमसे पूछा है नाव की धार, नाव की दिशा, ठीक है, देखिए हमसे पूछा है नाव की दिशा में चार, नाव की नाव जो है चार घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। ठीक है, नाव की चाल शांत जल में कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चालती है, तो नाव की चाल क्या करनी है, किसकी करनी है, नाव की चाल, तो हमें पता है नाव की चाल ज्ञात करते हैं, नाव की धारा ज्ञात करते हैं, तो हमें u प्लस v जाता है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर u प्लस v करना होगा। ठीक है, और हमें बराबर देखिए 50/4 करेंगे। ठीक है, हमें चाल कितनी दी थी, 50, ठीक है, घंटे कितने दिए हैं, 4, तो यहाँ से 12.5 आ जाएगा। ठीक है, और हमें हमें बी का मान दिया हुआ है। ठीक है, देखिए हमें किसका मान दिया है, बी का मान दिया है, तो हमारे पास आ जाएगा यू का मान, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर यू लिख लीजिएगा। ठीक है, ये भी नहीं है, यू है। ठीक है, यू बराबर आ जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले थे इस वीडियो में हमने ले लिए हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो थर्ड शिफ्ट में हम लेंगे, और हमें कमेंट करके बताइएगा कितने और कैसे कैसे क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आए, तो हम थर्ड शिफ्ट में आपके लिए सारे क्वेश्चन लेके आ पाए। और फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन देखिए, जो भी अगर आपका कोई भी टॉपिक है जो आपको पढ़ना है तो मुझे जरूर बताइएगा,
जिससे क्या मैं आपको वीडियो बनाऊंगा और आपके जब चैनल पर डालूंगा तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर वीडियो बाकी पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक के साथ में शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं करना, नीचे जाकर एक शेयर का बटन है, शेयर का बटन पर जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, वीडियो लाइक कर दिए, शेयर कर दिए तो वीडियो के नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा सारी वीडियोस आपकी आपको जो सारी वीडियोस होती है वो जो वीडियोस होती है वो देखती रहेंगी, और बेल का आइकन दबाएंगे तो जो इंपॉर्टेंट वीडियो रहती है जो मैं डालता हूँ, गवर्नमेंट रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, वो भी आपको देखती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, आपको मेरे एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।